बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिनमें लव मेकिंग और रोमांस की सारी सीमाएं तोड़ दी गई। ऐसी ही एक फिल्म 1997 में आई थी जिसमें एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा और ओम पुरी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का नाम आस्था इन द प्रिजन ऑन एफ स्प्रिंग था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसके बोल्ड और लव मेकिंग सीन्स काफ़ी सुर्खियों में आ गए थे। दरअसल फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से फिल्म बेहद विवादों में भी आ गई थी। फिल्म में ओम पुरी और रेखा ने एक नहीं बल्कि कई लव मेकिंग सीन्स दिए थे। एक सीन की शूटिंग के दौरान दोनों को एक कुर्सी पर फिजिकल होते दिखाया जाना था, लेकिन दोनों सीन में इतना खो गए कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि वो कुर्सी पर बैठे हैं जो दोनों का वजन न उठाने पर टूट भी सकती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही, और सीन में दोनों इस कदर रोमांटिक हो गए कि इन्हें होश ही नहीं रहा कि ये रियल नहीं बल्कि शूटिंग है। फिल्म में दोनों ने पति पत्नी की भूमिका अदा की थी और इस रोल को दोनों ने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था, और सेक्स सीन की शूटिंग के दौरान तो मेकर्स के भी होश उड़ गए थे। बहरहाल फिल्म की शूटिंग के दौरान ओम पुरी और रेखा की नज़दीकियाँ चर्चा का विषय बन गई थीं। बता दें कि इसी तरह रेखा की फिल्म उत्सव भी अपने विवादित विषय और सीन्स के चलते सुर्खियों में आ गई थी। अब रेखा काफ़ी समय से फिल्मों से दूर हैं। रेखा की ज़िंदगी कभी भी बहुत खूबसूरत नहीं थी। लाखों दिलों की रानी होने के बावजूद एक्ट्रेस आज तक अकेली है। वह अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी जी रही है, जिससे कई महिलाओं को प्रेरणा मिली है। हालांकि रेखा के विवादों का अपना हिस्सा था, क्योंकि वह अपने निजी जीवन में कई घोटालों में शामिल थीं। सुर्खियों में रहने वाली घटनाओं में से एक एक्टर ओमपुरी के साथ उनकी एक फिल्म में उनका सेक्स सीन था। वहीं ओमपुरी का 2017 में निधन हो गया था। वह अपने मुंबई स्थित फ्लैट में रहस्यमय हालत में मृत मिले थे। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।